कोरोना काल में लंबे लॉकडाउन के बाद उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जा रहे हैं। उसके बाद सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें महाकाल मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई श्रद्धालु जो 65 वर्षों से अधिक उम्र और 10 वर्ष से कम के हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जो COVID-19 की जो भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, 10 साल से कम के उम्र के बच्चे को सलाह दी जाती है कि आप प्रवेश न करें। इसके अलावा 65 की एज से ऊपर वाले जो हैं उनको हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अगर क्लिनिकली फर्स्ट साइट से अगर हमें देखने पर लग रहा है कि यह अनफिट है या मेडिकली ठीक नहीं है, तो हम उसको अंदर मंदिर में जाने की प्रवेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर और ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती है। इस वजह से हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आप बाहर से ही दर्शन कर लें या जब भी आप। अभी तक कितने लोगों को ऐसी है? जी, अभी तक ऐसे कुछ 15 से 20 लोग आए हैं, जो कभी 2 माह के बच्चे को लेके आए हैं या मेडिकली अनफिट हैं, डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिए जाने की सलाह दी जा रही है।